नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 से रिलेटेड आपके या आपका पटना वोमेन्स कॉलेज, पटना वोमेन्स कॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वायरी हैं और सारा का सारा डाउट आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। वो आपका सिलेबस हो या आपका एग्जाम पैटर्न हो, वो आपका सिलेबस हो या आपका एग्जाम पैटर्न हो, सारा का सारा हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करते चले जाएंगे। तो पूरी वीडियो को शुरू से ए टू जेड लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आप समझ लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस जो है पीडब्ल्यूसी का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया है और पीडब्ल्यूसी के ही जैसा कुछ कुछ जो होगा 80-90% आपका पटना यूनिवर्सिटी का होगा। पटना यूनिवर्सिटी का जो होगा यूनिवर्सिटी वो भी आपका पीडब्ल्यूसी के जैसा होगा, दोनों एक ही पटना यूनिवर्सिटी के ही अंदर आते हैं। तो ये अपना बता दिया है कि कब क्या होगा कैसे होगा, तो ये पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक कि क्या होने वाला है। सबसे पहले मेरे से मिलिए, तो मैं कौन हूँ मेरे बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैं कृष्णा कांत सिंह बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मेरा जो ऑनर्स है वो ज्योग्राफी ऑनर्स है। फेसबुक आईडी मेरा कृष्णा कांत सिंह के नाम से है और इंस्टाग्राम आईडी कृष्णा कांत 9076 है। मैं फिलहाल अभी एक साल से एक ईयर से बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ब्लॉक टॉपर 2017 में टेंथ किया हूँ, जिसमें मेरा 100 मार्क्स मैथ में है। स्कूल टॉपर 12 2019 में साइंस में किया हूँ, 94 मार्क्स इन मैथ है। चार सालों से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पीयू एयू बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा हूँ। इसके साथ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7370840504 पर्सनल नंबर है। इसके साथ ये जो हमारा है हमारे टीम का नंबर है। ये सारा का सारा आपका मेरे बारे में डिटेल्स आपको है। नेक्स्ट हमारी कोर्सेज जो चल रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको देने जा रहे हैं, जो हम आपको 500% यहाँ के बाद सिलेक्शन देंगे। 500% सिलेक्शन आपको मिलेगा हमारा। यदि आप डेमो देखना चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। सारा का सारा वीडियो अपलोड है, जीके का वीडियो अपलोड है, फिजिक्स का वीडियो अपलोड है, इसके साथ हिस्ट्री का वीडियो अपलोड है, बहुत सा वीडियो अपलोड है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस जो होती है वो कहाँ होती है, तो गूगल मीट पे होती है। गूगल मीट पे इसलिए हम लोग करवाते हैं, गूगल मीट पे इसलिए करवाते हैं कि आप गूगल मीट पे मेरे से सवाल बोल सकते हो, डायरेक्ट आप मेरे से बोल बातचीत कर सकते हो, इसलिए गूगल मीट पे क्लास चलती है। हम लोग ऐप पे भी क्लास चलवा सकते थे, ऐप वाला मात्र 6000 पर ईयर का, वो लोग बोले कि दीजिएगा हम आपको एक ऐप बना के दे देंगे क्लास प्लस का। तो ऐप पे हम लोग नहीं, हम लोग गूगल मीट पे क्लास करवाएंगे आपको, जिसमें आप कुछ बोल सकते हो, लाइव क्लास चलेगी। उसके बाद 500 प्लस पीडीएफ हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। यदि आप सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो आप 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर रिटर्न टेस्ट लेंगे। अब कुछ दिनों में हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, जो आपका फी होगा वो हम आपको लौटा देंगे। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज वीडियोज देंगे आपको। चैप्टर वाइज वीडियो चल रही है, पूरे यूट्यूब पे अपलोड है अनलिस्टेड करके, जिनको मैं जो हमारे मेंबर रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर, उनको क्या किया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, वही उस वीडियो को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको पीडब्ल्यूसी और पीयू का प्रोवाइड करेंगे। टॉपर्स टॉक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो टॉपर्स हमारे पिछली बार हुए वो कैसे पढ़े थे, उनका क्या हुआ था, उनका नंबर से हम आपको बात करवाएंगे। ये सब सारा का सारा अभी 350 रुपया है, बस 2 मई से आपका फी ये बढ़ जाएगा। 2 मई लास्ट डेट है, 2 मई जिस दिन से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा फी आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये 350 रुपया अभी आपका फी है। 150 लड़के हमारी क्लास को कर रहे हैं, 151 लड़के अभी क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। इस क्लास को करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को करने के लिए 7370840504 या 9110926141, इन दोनों में से किसी एक नंबर पर आपको मैसेज करना है और इस नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है। 350 का भी पेमेंट करोगे, यदि वीडियो को आप 10 दिन के बाद देख रहे हो तो उस समय का जो आपका फी रहेगा वो आपसे लिया जाएगा। अब पटना यूनिवर्सिटी एग्जाम अपडेट के बारे में बात करें कि पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम अपडेट क्या है, तो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 2 मई 2022 से होगा, 2 मई 2022 से होगा, जिसमें आप मेरे को आपसे अप्लाई नहीं होगा तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पे हम आपका अप्लाई करेंगे।
हम आपका सारा का सारा काम आपका कर देंगे। इसके साथ एग्जाम डेट, एग्जाम डेट जो है वो आपका 18 जून 2022 को होने जा रहा है, और पीडब्ल्यूसी की बात करें तो 20 से आपका 25 जून के बीच में आपका एग्जाम डेट होने जा रहा है। दोनों है, दोनों ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो 73 70 84 050 से दोनों का फॉर्म हम भर देंगे, आप बेझिझक हमसे कॉन्टेक्ट करें। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे जरूरी होती है कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सबसे पहले सेक्शन ए, और दूसरा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है सेक्शन बी। हम लोग आगे देखते हैं कि सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में आपका रीजनिंग होगा, बेसिक मैथ होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा, जीके होगा, करेंट अफेयर्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में डोमेन स्पेसिफिक होगा, जो आपके 12 में जिस स्ट्रीम के लिए एडमिशन ले रहे हैं उस 12 में जो आपको पढ़ना होता है। कैसे, देखिए जैसे कि आप यदि तीन भागों में इसको बांट दीजिए तो बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम की बात करें तो बीए में आपके जो सवाल आएंगे, यदि आप बीए लेना चाहते हैं, यहां पर कोई लड़का सबसे पहले आईएससी करता है और वो क्या होना चाहता है, वो बीए होना चाहता है, तो आपके बीए के सवाल पूछे जाएंगे। आईकॉम से था, कॉमर्स से था, बीए होना चाहता है, कॉमर्स सवाल, मतलब जो आप होना चाहते हैं उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बीए में क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा, पॉलिटिक्स पूछा जाएगा, और आपके इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे। इसके साथ बीएससी में क्या होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। कैसे क्या होगा जो हम अभी नेक्स्ट आपको जस्ट बताते हैं, अभी बस आप समझते जाइए। बीकॉम में क्या करेंगे, अकाउंट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस होगा, ये सारा का सारा होगा। तो एग्जाम पैटर्न आप सेक्शन ए और सेक्शन बी का समझ गए होंगे, ठीक है। अगला आइए बीएससी का सिलेबस के बारे में जानते हैं, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बीएससी फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2022। तो देन सबसे पहले जो सवाल पीडब्ल्यूसी की ओर से आया है, पीडब्ल्यूसी का ऑफिशियल नोटिस आया है, और वही पीयू ऐसा ही सेम सेम रहता है। इसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के सवाल आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से। ये देखो क्या होता है, ये दोनों आपका कंपलसरी है, ये दोनों आपका कंपलसरी है, ये दोनों आपका कंपलसरी है, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको 7 मार्क्स का बनाना होगा, 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड बनाना होगा। पीयू थोड़ा सा भी बताएगा कि हम क्या करेंगे ऐसे, या बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स या स्टेटिक्स में आपको कोई एक बनाना होगा जो आपका 30 मार्क्स का होगा। मैथ वाले मैथ बनाएंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, स्टेटिक्स वाले स्टेटिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो वह आपके च्वाइस पर है कि आप 30 मार्क्स का कौन बनाते हो, बाकी ये दोनों जो है, ये दोनों आपका जो है कंपलसरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीए का सिलेबस, क्या है बीए का सिलेबस। तो बीए के सिलेबस में आपका जो है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये पीडब्ल्यूसी का ऑफिशियल नोटिस है, पीडब्ल्यूसी में, वही आपका पीयू की बात करें तो ये 25 मार्क्स ना होकर 40 से 45 मार्क्स आपका हो जाएगा। इसके साथ क्या किया गया, 75 मार्क्स आपके डोमेन स्पेसिफिक से पूछे जाएंगे, मतलब कि आप 12 में जो पढ़े हैं उससे पूछे जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ये 75 मार्क्स के आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये हुआ बीए का सिलेबस। आइए मेरे दोस्त बीकॉम की सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि बीकॉम का सिलेबस क्या है। तो बीकॉम का सिलेबस भी सेम वही है, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन रिलेटेड विद द सब्जेक्ट आपके 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये हुआ आपका बीकॉम का सिलेबस। इसके साथ बीबीए के सिलेबस के बारे में बात करें कि बीबीए की सिलेबस, और ये सारा का सारा जो है वो 10+2 लेवल का होगा, 10+2 से रिलेटेड सवाल आएंगे, जितने भी है 10+2 से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब आ जाइए बीबीए सिलेबस, बीबीए सिलेबस क्या है। बीबीए में आपको जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, जीएस एंड रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल आपके 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इन सारों को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर आपके 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। समय दो घंटे 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। बीसीए की बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, तो बीसीए में आपके सारा का सारा अच्छे से हम आपको लिख के ले आए हैं। जनरल इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, मैथ जो आपका होगा 10th लेवल का होगा, 8th-9th लेवल का, जीके और जीएस, इन सभी को मिलाकर 100 मार्क्स के सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो इतना ही आपका सिलेबस है, बाकी हमारे साथ यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं,
यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक जुड़ सकते हैं। और ये हमारी कोर्सेज की सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप पेमेंट कीजिए, हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। डेमो के रूप में यदि देखना चाहते हैं कि सर डेमो क्या है, डेमो देखना चाहते हैं तो पूरा यूट्यूब पे हमारा लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।